welcome you friend in this video we are going to discuss about various diseases of bengal such as phomopsis blight sclerotinia blight wilt little leaf and root knot this two disease is caused by fungus wilt disease is caused by bacteria little leaf is caused by phytoplasma and root knot is caused by nematode so let's get started phomopsis blight and fruit rot this is caused by phomopsis vaccines coming to symptom it is a serious disease of brinjal infecting foliages and fruits the fungus infect seedling in nursery and cause damping off in leaves small circular spots appear which become gray to brown with irregular blackish margin lesion may develop on petioles and stem and cause blighting. symptom on the infected fruit appear as minute sunken dull and dusky spots which later merge to form rotten area then it cause fruit rot in later stage black pycnidia also seen on older spots. ब्लाइट का जो सिम्टम है वो फोलियज में और फ्रूट्स में आता है फोलियज मीन्स लीफ लिप पैट्योल और स्टेम जब सिडलिंग छोटा होता है तो ये डैम्पिंग ऑफ करता है और लीफ में पहले स्मॉल ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं बाद में इनका साइज बढ़ता है और बहुत सारे स्पॉट्स लीफ में आते हैं जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ऐसी टाइप के सिम्टम लिप पेटियोल और स्टेम में भी आते हैं जिसके कारण जो पत्ता है वो मर जाता है जो फ्रूट में है उसमें रॉटिंग होती है और बाद में ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल स्मॉल डॉट बने हुए हैं ये क्या है ये फंगस के फ्रोटिंग बॉडी होते हैं जहां से स्पोर्स बनते हैं कमिंग टू इटियोलॉजी द फंगस बिलोंग टू सब डिविजन एस्कोमाइकोटिना दैट्स वाई द माइसिलियम आर सेप्टेड ब्रांच एंड हाइलाइन क्वनिडियो फोर आर ऑल्सो सिंपल आर ब्रांच आर हाई लाइन को आर हाई लाइन वन सेल्ड एंड सब सिलेंड्रिकल पिकनिडिया पिकनिडिया आर ए सेक्सुअल फ्लूटिंग बॉडी विच आर ब्राउन टू ब्लैक इन कलर इट मे आर मे नॉट बी हैव बीक मीन्स जो पिकनीडिया है वो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है इसमें बीक प्रजेंट है और यहाँ पर बीक प्रजेंट नहीं है और ये है कॉनिडिया जो कॉनिडिया है वो सिंगल सेल्ड है और ये कोनीडियो फोर है ये भी सिंपल होते हैं कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजनस आर सीड बॉर्न इन नेचर इट ऑल्सो सर्वाइव इन प्लांट डेबरिस एज माइसीलियम एंड पिकनिडिया सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू कोनीडिया ये जो पैथोजन है सॉइल में सीड्स में या क्रॉप डेबरिस में सर्वाइव कर रहा है बाद में ये इन्फेक्शन करेगा सिडलिंग्स में लिप्स में और सिम्टम डेवलप होता है जो पैथोजन है वो मल्टीप्लाई होता है और कोनिडिया बनाता है ये कोनीडिया कहाँ बनते हैं पिकनीडिया में फिर जो स्पोर्स हैं वो इरिगेशन वाटर के थ्रू या रेन के द्वारा एग्रीकल्चरल टूल्स या फिर इंसेक्ट के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होते हैं coming to epidemiology it required 29 to 30 degree centigrade temperature high relative humidity and wet weather condition coming to management for the management of phomopsis blight we should adopt integrated disease management practices which includes selection of healthy seeds seed treatment with mancozebe हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर थर्टी मिनट इन फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड वाटर क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट समर डे ब्लोइंग रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड एंड क्रॉप डेबरिस स्प्रे ऑफ कार्बेंडाजीम जीरो पॉइंट वन परसेंट एट ट्वेंटी डेज इंटरवल रजिस्टेंट वेराटी शुड बी ग्रोन लाइक फ्लोरिडा ब्यूटी कमिंग टू स्क्लेरोनिया ब्लाइट this disease is caused by sclerotinia sclerotiorum. coming to symptom white cottony mycelium can be seen on the infected tissue at later stage this pathogen aggregates and form pea sized clumps these clumps mature and become hard black sclerosia this is sclerosia develop on outer surface of the infected tissue. The pathogen also causes flower blight, stem rot, fruit rot, and head blight. The symptoms start as on the stems. These lesions enlarge in size and girdle the stem, which causes the inhibition of translocation of. न्यूट्रेंट एंड फूड मटेरियल एंड इन्फेक्टेड पार्ट सोस विल्टिंग सिम्टम यह जो सिम्टम दिख रहा है ये है इसक्लोटिनिया ब्लाइट का इसमें आप देख सकते हैं ये व्हाइट कॉटनी माइसिलियम दिखाई दे रहा है और जब इसका इन्फेक्शन इस स्टेम में आता है तो पहले वाटर सोक्ड स्पॉट्स रहते हैं इसका साइज बढ़ता है और ये पूरे स्टेम को गर्डल कर लेता है जिसके कारण से यहाँ से न्यूट्रेंट और फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो रुक जाता है और इसके ऊपर जो ब्रांच होते हैं लीफ या लिप्स वगैरह तो वहाँ पर विल्टिंग होता है कमिंग टू इटियोलॉजी द फंगस हैज सेप्टेड ब्रांच एंड हालाइन माइसीलियम दिस इज द कॉलोनी ऑफ स्क्लेरोनिया विच इज व्हाइट इन कलर और ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं डॉट्स ये ब्लैक कलर के स्क्लेरोसिया हैं ये स्क्लेरोसिया जर्मिनेशन के बाद एस्कोस्पोर बनाते हैं एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि मियोसिस के बाद बनते हैं कमिंग टू डिजीज साइकल जो पैथोजन है वो सर्वाइव करता है क्रॉप डेब्रिस में और सॉइल में एज अ फॉर्म ऑफ स्क्लेरोसिया ये स्क्लेरोसिया जर्मिनेट होता है और फ्रूटिंग बॉडी बनाता है फिर यहाँ से एस्कोस्पोर बाहर आते हैं ये एस्कोस्पोर प्लांट में डिजीज करते हैं सिम्टम डेवलप होता है उसके बाद स्क्लेरोसिया बनते हैं ये स्क्लेरोसिया दूसरे प्लांट में इरिगेशन वाटर के द्वारा पहुँचते हैं और इन्फेक्शन करते हैं तो ये जो साइकिल है ये है सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कमिंग टू इपिडेमियोलॉजी हाई सॉइल मॉइस्चर हाई सॉइल टेम्परेचर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वार्म वेदर। कमिंग टू मैनेजमेंट वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक सेलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड क्रॉप प्रोटेक्शन विथ नॉन होस्ट फील्ड सैनिटेशन प्रोवाइड गुड ड्रेनेज drenching of bordeaux mixture spray carbendazim use of biocontrol agent like trichoderma application of neem cake. to download pdf files please scan this qr code download link is also available in description of video coming to wilt wilt disease is caused by ralstonia solanacea race 1. coming to symptom sudden wilting and death of infected plant the petioles of older leaves droop down and the leaves show epinasty symptom followed by yellowing and stunting of whole plant typical browning of vascular tissues can be seen by cross section of the infected plant white bacterial ooze out from the infected plant इट कैन बी सीन बाई डिपिंग द इन्फेक्टेड स्टेम इन वाटर किसी भी विल्डिंग सिम्टम का जो बेसिक है वो क्या है ये जैसे प्लांट है ये रूट है जो इन्फेक्शन है वो रूट से स्टार्ट होता है जो बैक्टीरिया है या फंगस है जो विल्ट करता है वो कहाँ मल्टीप्लाई होता है रूट्स में और जिसके कारण वाटर का ट्रांसलोकेशन ऊपर की तरफ रुक जाता है और ऊपर के लीप्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनमें पानी की कमी हो जाती है और वो मुरझा जाते हैं उनकी पत्तियाँ नीचे झुक जाती है जो नीचे झुक जाती है पत्तियाँ उसी को इपिनेस्टी कहते हैं या ड्रोपिंग उसके बाद जो इन्फेक्टेड स्टेम है इसको हम लोग कट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है ब्राउन कलर का डिसकलरेशन ये क्यों होता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ पैथोजन और अगर ये बैक्टीरिया से विल्टिंग हुआ है तो ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है प्लांट का स्टेम है उसे हम एक ग्लास में पानी लेंगे और उसको डिप करेंगे तो डिप करने के बाद क्या दिखेगा इसमें वाइट कलर के ऐसे क्लाउडी बैक्टीरियल सेल हैं वो बाहर आते हुए दिखाई देते हैं इसी को ऊज टेस्ट कहते हैं तो ये केवल बैक्टीरिया में ही ऐसे दिखाई देता है अगर ये विल्टिंग फंगस से हुआ होता तो ये हमें दिखाई नहीं देता बैक्टीरियल विल्ट का और एक करेक्टर है वो है पौधे में जब ड्रुपिंग होती है तो बिना येलोविंग के ही ड्रुपिंग हो जाती है मतलब जो पत्ते मुरझाते हैं लेकिन पत्ती पीली नहीं होती है स्टार्टिंग में क्यों क्योंकि जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है जो पूरा लीफ है वो पीला पड़ जाता है पूरा पौधा मर जाता है कमिंग टू इटियोलॉजी रॉल इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रॉड सेब्ड मोनोट्राइकस फ्लेजिला होते हैं और इसकी जो कॉलोनी है वो सी पी जी टी टी सी मीडियम में पिंक कलर की दिखाई देती है और म्यूकोइड होती है कमिंग टू डिजीज साइकिल पैथोजन सर्वाइव इन सीड क्रॉप डेबरिस एंड वीड अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा तो उसके रूट्स में इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया इंटर कैसे करता है जो निमेटोड होते हैं वो इंजुरी करते हैं रूट्स में जिसके कारण से इस इंजुरी में जो बैक्टीरिया है वो एंट्री करता है और वस्कुलर टिश्यूज में मल्टीप्लाई होता है जिसके कारण से सिम्टम डेवलप होते हैं और यह बैक्टीरिया इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय या इरिगेशन वाटर के द्वारा आसपास के प्लांट में मूव करते हैं और फिर से इन्फेक्शन करते हैं दिस इज नोन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कमिंग टू इपिडेम्योलॉजी हाई सॉइल मॉइस्चर मॉडरेट सॉइल टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ सोलेनेसियस क्रॉप मैनेजमेंट वी शुड ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक पंत सम्राट निधि अर्का नीलकंठ सूर्या क्रॉप रोटेशन विथ नॉन सोलनेशियस क्रॉप ग्रीन मैन्यूरिंग विथ ब्रेसिका स्पीसीज दिस इज नोन एज बायोफ्यूमिगेशन ये जो ब्रेसिका स्पीसीज के प्लांट होते हैं जब ये प्लांट सड़ते हैं तो उनसे एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है इसीलिए इसे बायोफ्यूमिगेशन कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन एप्लीकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट लाइक सोडोमोनास फ्लोरोसेंस सोडोमोनास सिपेसिया एंड बेसिलस कमिंग टू लिटिल लीफ दिस इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। सिम्टम इन्फेक्शन इज इनिशियली ऑब्जर्व इन वन ब्रांच and later the entire plant shows the symptom reduction in size of leaves internode and petiole the number of auxiliary buds get increased which keeps it bushy appearance mostly there is no flowering but if the flower formed it remained green fruiting is also rare but if any fruits is formed it become hard ट एंड फेल टू मैच्योर यंग फ्रूट्स टर्न नेक्रोटिक एंड गेट म्यूमिफाइड जैसे नाम से पता चल रहा है लिटल लीफ इसके कारण क्या होता है जो पत्ते हैं वो छोटे हो जाते हैं तो पत्ते तो छोटे होते हैं उनके साथ ही साथ जो उसका इंटरनोट का साइज है वो भी कम हो जाता है जिसके कारण से प्लांट ऐसे बूसी दिखाई देता है इन सब में फ्लावरिंग नहीं होती अगर फ्लावर होगा भी तो ग्रीन कलर का रहेगा और फ्रूट भी नहीं बनते हैं जनरली लेकिन अगर इन्फेक्शन लेट में हुआ है फ्रूट बन चुका है उसके बाद हुआ है इन्फेक्शन तो जो फ्रूट है वो भी डेवलप नहीं होते हैं और हार्ड हो जाते हैं कमिंग टू इथियोलॉजी जो फाइटोप्लाज्मा है वो एक ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट है मतलब यह केवल और केवल लिविंग टिश्यू में ही सरवाइव होता है यह क्रॉप डेब्रिस वगैरह में सरवाइव नहीं कर सकता यह कहाँ होता है केवल फ्लोएम टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन इंसेक्ट वैक्टर से होता है जो है लीफ हॉपर और इसमें ट्रिपल लेयर का सेल मेम्ब्रेन होता है इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके तीन लेयर होते हैं और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है जिसके कारण से इसका जो सेप है हमेशा चेंज होते रहता है और इसे जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं कमिंग टू डिजीज साइकल द सेकेंडरी इन्फेक्शन इज बाई लीफ ऑपर हिस्मोनस फाइसीटिस फाइटोप्लाज्मा कहाँ सर्वाइव करता है इन्फेक्टेड लीफ ऑपर में और वीड होस्ट में फिर ये जो इन्फेक्टेड लीप हॉपर है वो हेल्दी प्लांट में फीड करता है और फाइटोप्लाज्मा को हेल्दी प्लांट में ट्रांसमिट करता है ये जो फाइटोप्लाज्मा है वो फ्लोएम टिश्यू में मल्टीप्लाई होता है और पूरे प्लांट के सिस्टम में मूव करता है फिर सिम्टम डेवलप होता है फिर से जो आसपास हेल्दी इंसेक्ट हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करते हैं और ये जो फाइटोप्लाज्मा है इंसेक्ट बॉडी में एंटर करता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है फिर से ये जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट हैं वो हेल्दी प्लांट को फीड करते हैं और फाइटोप्लाज्मा को स्प्रेड करते हैं बाद में ये जो लीफ ऑपर हैं वो कोलेट्रल होस्ट को भी इन्फेक्ट करते हैं और ऐसी ही ये जो फाइटोप्लाज्मा है वो सर्वाइव करता है कमिंग टू इपिडीमियोलॉजी प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लाज्मा प्लाज्मा ऑफ इंसेक्ट एंड क्लाउडी डेज मैनेजमेंट वी शुड ग्रो द टोलरेंट वेराइटीज लाइक पूसा पर्पल राउंड पोसा पर्पल क्लस्टर एंड सील, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट रेडिकेशन ऑफ ऑल सोलनेसियस वीड होस्ट स्प्रे इमिडाक्लोप्रीड टू कंट्रोल द इंसेक्ट एंड क्लीन कल्टिवेशन कमिंग टू रूट नॉट, ये जो सिम्टम दिखाई दे रहा है ये जो रूट है उसमें नॉट बन गया है इसी को रूट नॉट कहते हैं दिस इज कॉस्ड बाई मिलेडोगाइनी इनकॉग्नीडा ये एक निमेटोड है कमिंग टू सिम्टम इट हैज टू टाइप ऑफ सिम्टम एबब ग्राउंड और बिलो ग्राउंड द एबब ग्राउंड सिम्टम इन्क्लूड्स स्टंटिंग ऑफ प्लांट मार्जिनल नेक्रोसिस येलोइंग ऑफ द लीब्स एंड फाइनली विल्टिंग ऑफ प्लांट द ग्रोथ एंड दिल्ड ऑफ प्लांट इज affected infected plants are present in patches in the field the below ground symptom includes necrotic lesions on the root surface formation of note or galls in severely infected plant the root system is completely reduced the function of roots like uptake and transport of water and nutrient is affected by the pathogen. जो निमेटोड होता है वो रूट में इन्फेक्शन करता है रूट में इन्फेक्शन होने से क्या होगा जो वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई है ऊपर की तरफ वो रुक जाती है जिसके कारण से जो ऊपर के पत्ते हैं वो अलग सिम्टम्स शो करते हैं और बिलो ग्राउंड जो रूट्स हैं वो भी सिम्टम्स शो करते हैं ये जो दिख रहा है ये रूट्स में रूट नॉट बन जाते हैं और ये जो है ये निमेटोड हैं ये रूट्स में इन्फेक्शन कर रहे हैं कमिंग टू इटियोलॉजी ये जो निमेटोड हैं वो किंगडम एनिमेलियक को बिलोंग करते हैं और फाइलम निमेटोडा ये फीमेल है और ये मेल है तो इसमें मेल और फीमेल अलग अलग, अलग प्रेजेंट होते हैं जो मेल है उसकी बॉडी सिलेंड्रिकल लॉन्ग होती है और जो फीमेल है वो पियर सेप की बॉडी होती है और इसमें स्टाइलेट इस प्रेजेंट होता है स्टाइलेट के द्वारा ही ये पौधे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा देखते हैं इसका जो लाइफ साइकिल है वो थर्टी सेवन डेज का होता है इनका लाइफ साइकिल एक से स्टार्ट होता है उसके बाद जुवेनाइल वन स्टेज ये जो जूएन वन होता है वो एक के ही अंदर होता है उसके बाद ये जो जूएन वन है वो एक से बाहर आता है जिसे जू एन टू कहते हैं जो जू एन टू से जू एन एल थ्री फोर और फिर मैच्योर एडल्ट इनके लाइफ साइकिल में जो केवल जू एन टू है वही मोटाइल होता है मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है बाकी के जो स्टेज हैं वो सेडेंड्री होते हैं मतलब जहाँ पे प्रेजेंट हैं वहीं ही रहते हैं ये मूव नहीं करते हैं कमिंग टू डिजीज साइकिल जो लिमिटेड है वो इन्फेक्टेड प्लांट में या इन्फेक्टेड प्लांट के डेबरीज में सर्वाइव करते रहता है जैसे ये एग है ये सर्वाइव कर रहा है फर्स्ट स्टेज जूएन बाहर आएगा वहाँ से सेकंड स्टेज बनेगा ये जो सेकंड स्टेज है वो मूव करके किसी दूसरे प्लांट्स में जाता है और इन्फेक्शन करता है फिर इन्फेक्टेड प्लांट में जो जून एल टू है उससे जुएन आइल थ्री और फोर बनते हैं उसके बाद एडल्ट बनते हैं ये मेल और फीमेल इनकी मेटिंग होगी और एग बनता है फिर ये जो एग है उससे सेकेंड स्टेज जुएन बाहर आता है इरिगेशन वाटर के द्वारा या इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय ये सॉइल के साथ मूव करते हैं और आसपास के दूसरे प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं Coming to epidemiology, cool climate and sufficient soil moisture is required for the disease development. Coming to management, we should always adopt integrated disease management practices like Crop rotation with graminaceous crop Inclusion of non-preferred host like mustard, sesame, maize, wheat in cropping system इंटर क्रॉपिंग ऑफ मेरी गोल्ड अगर हमें निमेटोड मैनेज करना है तो मैरीगोल्ड को लगाना चाहिए नर्सरी सुड बी रेस्ड इन नेमेटोड फ्री साइट्स, फ्यूमिगेशन और सोलराइजेशन ऑफ द नर्सरी बेड डीप समर प्लोइंग जो डीप समर प्लोइंग है वो भी टेन डेज के इंटरवल में तीन बार करना चाहिए फ्लडिंग ऑफ फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड यूज अ बायो कंट्रोल एजेंट लाइक पेसिलोमाइसिस विच इज़ अ एक पैरासाइट नर्सरी ट्रीटमेंट विथ मेथेन सोडियम आर कार्बोफ्यूरोन डिपिंग अपरूट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग इन इंसेक्टिसाइड सोल्यूशन फॉर सिक्स टू एट आवर ग्रो रजिस्टेंट वेराइटीज लाइक ललित पी एन आर सेवन निमेटेक्स एन टी डी आर वन बी एफ एन एट स्पॉट एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरोन एट द रेट ऑफ वन के जी पर हेक्टेयर इस वीडियो के लिए इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच अदर वीडियोज क्लिक द लिंक